सियासत क्या न करवाते, उसका जीता जागता उदाहरण आम आदमी पार्टी है। आंदोलन से उपजे आम आदमी पार्टी जो ये कहकर सत्ता में आए कि उसे राजनीति करनी नहीं आती, अब शायद ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जैसी राजनीति शायद ही किसी पार्टी ने आज तक की हो। ये हम क्यों कह रहे हैं वो इस वीडियो के जरिए आपको समझ आ जाएगा। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। यह है आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार लेना, जो चुनाव आते ही आतिशी सिंह हो गई हैं। ये वही आतिशी हैं जिनका सरनेम आतिशी सिंह है, लेकिन अब ये मार्लेना के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ मार्लेना का मतलब मार कार्ल मार्क्स से और लेना लेनिन से लिया गया है। लेकिन जब चुनाव आया तो जातिवाद की कट्टर विरोधी सिंह बन गई और मनीष सिसोदिया ने उन्हें शत्राणी करार देकर रानी लक्ष्मीबाई को भी राजपूत बता डाला। अब नास्तिक वामपंथियों के सरनेम वाली जय लक्ष्मी माता व जय गणेश कर रही हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के अवसर पर बड़ी अपील करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हमारे नए नोटों पर श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ गांधी जी की तस्वीर लगाएं। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि उनकी इस मांग के बाद कांग्रेस भी कूद पड़ी है तो दूसरी तरफ मुस्लिम केजरीवाल से खफा हो गए हैं। केजरीवाल की बातों को सुन सपा सांसद एसटी हसन ने इसका विरोध किया और कह दिया कि मैं इसका समर्थन नहीं करता क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो से देश के हालात बिगड़ सकते हैं। अब इस मसले पर खड़े हुए राजनीतिक बवंडर के बीच कांग्रेस नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर हमला किया और कहा नोटों पर अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा कि नए नोटों पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर क्यों ना छापी जाए। केजरीवाल के भगवान के चित्र लगाने की मांग के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की राजनीति अब यू टर्न ले रही है। पात्रा ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले नेता अब देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। बहरहाल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कितनी आम रह गई है उसका अंदाजा आज इनकी राजनीति के निचले स्तर को देखकर लगा सकते हैं कि जो पार्टी आजादी गैंग की हितैषी रही है वो चुनाव आते ही गणेश लक्ष्मी करने लग जाएं तो उसे क्या ही और उम्मीद की जाए।